ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕੇਬੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈ ਦੀ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੱਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ अरे सब तो पहला मैं यही पूछना चाहवांगी जो 26 जनवरी नू है ना दिल्ली दे विच होया क्या जा रहा है कि तिरंगे झंडे दी डिसरिस्पेक्ट की गई तो प्रोटेस्ट नू खालिस्तानी प्रोटेस्ट दे नाल जोड़न की कोशिश की जा रही है की कहना चाहोगे असी ऑलमोस्ट डे वन तो ही कह सकते हैं भी आप इस अंदोलन नाल जुड़े हुए हैं इस अंदोलन नू शुरू होकर कुछ सियाने लोगों तो सियाने किसान भरावों तो असी आम जन अंदोलन बनते देखिया हुण भी आप जिथे खड़े हाँ सामने अपने झंडे ही झंडे ने हर गड्डी ते अज अंदोलन का झंडा लग्या तो जिहड़े बंदे एक झंडे नाल जुड़े हुए ने वो कदे भी दूसरे झंडे की डिसरिस्पैक्ट नहीं करनगे रही गल आपां जे भारत च रहिंदे आ तां जिहड़ा तिरंगा हैगा वह भी साडा अपना ही झंडा हैगा तो ये आपां सब नूं पता वह सिर्फ मीडिया ने एक प्रोपोगंडा कह लिया आपां मीडिया ने बना बना के दिखाया रही गल ये भी माड़ी देश की त्रासदी आ भी मीडिया कह लो या सारी दुनिया सिर्फ 1% के मगर पै गई अदरवाइज़ जे आपां देखिए उस दिन हज़ारां लखां ट्रैक्टर कट्ठे होए हज़ारां लखां लोग कट्ठे होए आपां उह सब कुछ भुल के भुला के आपां उह लोकां नूं कुछ नूं भुल के जे आपां बाकियां नूं वेखीए बड़ा शांतमई उन्हां ने बजुर्ग जिहड़े झोरणियां वाले बेचारियां तों जिन्हां तों तुरिया नहीं जांदा वह ट्रैक्टर परेड का पैदल परेड का हिस्सा बने तो वह थोड़ी जी चीज़ नूं छड्ड के उस तों इलावा बहुत वड्डा एक शांतमई अंदोलन हैगा अरे 26 जनवरी तो बाद सिंगू बॉर्डर ते है ना उत्थे पथराव भी किया गया किसानों ते लेकिन पुलिस से ही चुपचाप खड़ी देखती रही कि साजिश लगती है पिछे तुहानू देखो साजिश एक चीज़ समझो जी छोटी जी किसान उत्थे लखां दी तादाद च बैठे ने ते जिहड़े वो वट्टे वुट्टे मार रहे सी वो मेरे वीर बेचारे सैकड़े क होने ये किसानों की बड़ियाई है उन्हों का बड़प्पण है उन्हों का वड्डा दिल है भी उन्होंने संघर्ष क्योंकि शांतमई कह के शुरू किया हुआ है तो वो शांतमई ही ने अदरवाइज़ मैनू नहीं लगता भी लखां की भीड़ दे अगे जो कोई 150 बंदा इकट्ठा होकर कोई उन्हों का वजूद होंदा है ये उन्हों लोगों की मूर्खता सीगी तो बाकी ये नहीं है मीडिया जो मर्जी बोली जाए लोग समझदार ने दुनिया को पता भी की होने लग रहा है दुनिया को सरकारां दीयां चालां कोई नवीं नहीं हरेक अंदोलन में इन्होंने इदा ही बदनाम करके खत्म करन दीयां इन्हां दीयां साजिशां होंदियां पर फिर भी इस अंदोलन की एक खासियत आ भी ये इन्ना लंबा चल भी रहा है तो हले तक माड़िया चीज़ों तो बच बच के तुर रहे हैं और दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है अज है ना वो बारे की कहना चाहोगे लगता नहीं है कि उस तो 26 जनवरी तो बाद जो भी कुछ हो उस तो बाद थोड़ी बहुत कितने ना कि एकजुटता टुटती हुई दिखाई दे रही है नहीं फिर एका साडा नहीं टुटिया ठीक है जिदा आप सब ने रंग पाए होंगे ने ताडे होर रंग है मेरे होर रंग है या कलरस होंगे ने अपने हर एक कलरस है इदा ही अंदोलन च भी कई रंग कट्ठे होंगे ने बाकी ये जथेबंदियों आप आम लोगों सारे कट्ठे होकर अपना नोट दीप सिद्धू वीर नहीं गा होर भी मैं कहना कोई सिंगल बंदा भी जिहड़ा इस अंदोलन नाल टच च है वह कोई भी ना अंदर होवे ते सारिआं नूं बाहर करवा के या सारिया चीज़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए क्योंकि ये झूठे परचे पे ने सारिआं ते सारिआं चीज़ां एक सरकार की वह साजिश सी जिहड़ी नंगी हो चुकी है बेनकाब हो चुकी है तो मेरे ख्याल च भी अंदोलन का कोई भी है ना हले हज़ारा बंदे हज़ारा मुंडे साडे दोस्त साथी बजुर्ग लापता ने बेचारे तो सरकार नू इहदे ते आप सोचना चाहिए है। मतलब ठीक है तुसी इन्ना भी ना पैसे पिछे अन्ने हो भी तुसी इंसानियत भुल जाओ तुसी देश दे कानूनां नू जिहड़े आम ह्यूमैनिटी नू भुल के आपां एक तीन कानूनों पिछे एड्डी ईगो बना लईए इन्हां नू रद्द कर दे सरकार नू साडी बार बार यह बेनती भी आ बहुत बहुत शुक्रिया गलबात करन दे लई तां इह सी अपने नाल गब्बर जी संगरूर जिन्हां ने किसानी प्रोटेस्ट दे बारे अपने नाल खास गलबात कीती होर अपडेट्स दे लई देखदे रहो बाई जी टीवी।